या ज्यादा गहराई लेगा हार्ड जमीन के बिल्कुल लिए? बिल्कुल, हर जमीन के लिए कल्टीवेटर ये हर जमीन के हिसाब से बना हुआ है। हाँ। मतलब जहाँ दूसरे कल्टीवेटर फेल हो जाते हैं वहाँ ये काम करते हैं, अच्छा ये वहाँ काम करता है ना। जैसे बोल सकते हैं इसके लिए मतलब पथरीली जमीन के लिए वो सक्षम है। अच्छा, ये ये मॉडल एकदम ये है, एचपी एड्रेस पर चलाएगा? ये सर 35 HP से लेगा, किसी भी ट्रैक्टर पे चलाओ सब सेम चलेगा। इसमें ट्रैक्टर डीजल की सबसे खास बचत होगी, ट्रैक्टर लोड नहीं पड़ेगा। अच्छा, जी बिल्कुल इनकी सर, विशेषता ये है ना भाई। ये भी नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको चार प्रकार के कल्टीवेटर दिखाऊंगा, चारों की जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, चारों अलग प्रकार से बनाए गए हैं, साथ में किसान भाई वेट और प्राइस भी बताऊंगा और कहाँ मिलेगी उसकी बारे में भी आपको जो है जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं भैया से। भैया नमस्कार, सर नमस्कार भैया। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम जयंत गहलोत है, जी हमारी फैक्ट्री का नाम अंबिका एग्रोटेक है जो बदना और रोड बढ़ने के लिए स्थित है मध्य प्रदेश में। जी अच्छा, जी सबसे पहले बात करते हैं कल्टीवेटर के। सर जी सर, कितने प्रकार के सर कल्टीवेटर हमारे आता पास है? 4 वेराइटी के कल्टीवेटर है। चार वेराइटी जी ना, सर, चारों अलग अलग डिफरेंट है चारों ना? चारों अलग वेराइटी के, चारों चारों तरह के हैं। अच्छा, चारों चारों तरह की है। जी बाकी बात करते हैं सर, हार्ड जमीन में गहराई कर पाएगी? सर, जमीन सब हार्ड जमीन के हिसाब से ही, लेकिन क्या होता अच्छा है जमीन का फॉर्मेशन के हिसाब से बने हुए हैं हाँ। तो ज्यादा थोड़ा पथरीली जमीन रहती है उनके लिए। ये टाइप के कल्टीवेटर रहते हैं जो इनको बोलते हैं, एक तूफान मॉडल है और एक अच्छा, मकड़ी मॉडल है। मकड़ी मॉडल और तूफान मॉडल। जी अच्छा, मकड़ी मॉडल की थोड़ी विशेषता बताइए सर सर, हमें। मकड़ी मॉडल की विशेषता ये है कि इसके लिए ट्रैक्टर थोड़ा बड़ा चाहिए, 45 HP से ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए रहता है। अच्छा, ये मकड़ी मॉडल है जी, ना? ये मार ज्यादा करता है। अच्छा, ये हार्ड जमीन के जी लिए है? बिल्कुल, हार्ड जमीन के लिए, पथरीली जमीन रहती है उसके हिसाब से बना हुआ है। अच्छा, जी सर, ये जो अच्छा। तूफान है ये दोनों सेम है लेकिन लोगों की पसंद के हिसाब से बने हुए, कोई मकड़ी पसंद करता है, कोई तूफान मॉडल पसंद अच्छा करता है। अच्छा जी मकड़ी और बिल्कुल सर, तूफान। मगर सर टाइल्स की अगर बात करते हैं, टाइम उसमें मोड़ सर। दे रखा है ना थोड़ा जी सा जी जी इसमें जी पीछे की ओर, जी बिल्कुल ये सर, कट कट दे रखा है जी अगर आप बोल बिल्कुल सकते हो बिल्कुल ना बिल्कुल, ये वाला। और इसमें जो ये तूफान ये बड़े मॉडल है, बड़े पत्थर निकालने में बड़ा सक्षम अच्छा है। अच्छा इसमें कट नहीं दे रखा जी है ये राउंड ये है। ना, ये राउंड में दे रखा जी है जी आपने? जी अच्छा, बाकी सर वेट की बात करते हैं दोनों की। सर, ये दोनों वेट लगभग सिमिलर वेट है, इसका 370 kg वेट है और इसका 380 kg वेट है। ये 1.5 इंच दांते में बने हुए, अगर इसकी मोटाई ले ज्यादा मोटाई बढ़ाना चाहेंगे तो इसका वजन और बढ़ जाएगा। अच्छा, दांते की क्या बताइए आपने मोटाई? ये जो वजन है 1.5 इंच दांता है, 1.5 इंच दांता है ना जी, छत्तीस दोनों एम एम के, बोलते हैं इसमें। उसकी भी 1.5 इंच जी दांता जी है? बिल्कुल। बाकी अगर आपको वो अच्छी बनाना है तो वो आपके ऊपर सर, डिपेंड ये करता वैसे है। तो 36 mm 1.5 इंच सफिशियंट होता है, अगर किसान फिर भी बोलता है मुझे और भारी चाहिए तो बना ऑर्डर बनता है सर। ऑर्डर बनता है जी ना, बिल्कुल बाकी नॉर्मली लोकल यही चलता है? जी बिल्कुल, ये बहुत भारी है, बहुत भारी बहुत होता है सर, बहुत वजन होता है। और वैसे भी कोई भी औजार वजन से ही लगता है, उसकी हाँ, लाख से लगता है, उसकी सर। बैठक के हिसाब से लगता है। मेन सर इसमें आपने काम क्या किया है? ज्यादा गहराई लेगा हार्ड जमीन के बिल्कुल लिए? बिल्कुल, हर जमीन के लिए कल्टीवेटर ये हर जमीन के हिसाब से बना हुआ है। हाँ। मतलब जहाँ दूसरे कल्टीवेटर फेल हो जाते हैं वहाँ ये काम करते हैं, अच्छा ये वहाँ काम करता है ना, जैसे बोल सकते हैं इसके लिए मतलब पथरीली जमीन के लिए वो सक्षम है। अच्छा, मेन तो ये है भाई। बाकी काफी सुंदर और शानदार बना है। बाकी सर आपने इसे जो लगाने के लिए दो प्रकार के छेद दे रखे सर, जी बिल्कुल, इसके ये इसका सर कारण बताइए। ये टायर के हिसाब से, अच्छा, आजकल क्या है ट्रैक्टर टायर पुराने पुराने ट्रैक्टर भी है, नए ट्रैक्टर भी है, पुराने ट्रैक्टर में टायर छोटे रहते हैं तो इसमें नीचे लगा के चलाओ, जिसको ज्यादा गहरा लगाना है तो नीचे वाली पिन में लगा लो, ऊपर लगाना है तो टायर वो बड़े, अपने अपने अकॉर्डिंग आप कर आपकी सकते सेटिंग हैं, है, वो आपकी सेटिंग आपके हाथ में, मतलब आपको कुछ करवाने की जरूरत कुछ नहीं भी है, नहीं आप करने उसे की कर जरूरत, कुछ सकते भी हैं। नहीं करना, सभी ट्रैक्टर पे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। 50 से 50 HP चलाएगा? ये वाले 45 से 50 HP भी चलेगा, चलाएगा ना। और जो दूसरे हम दिखाएं किसान भाई, ये मॉडल है सर, ये ये एकदम मॉडल ये एचपी है, एड्रेस पर चलाएगा? ये सर 35 HP से लेगा, किसी भी ट्रैक्टर पे चलाओ सब सेम चलेगा। इसमें ट्रैक्टर डीजल की सबसे खास बचत होगी, ट्रैक्टर लोड नहीं पड़ेगा। अच्छा, जी बिल्कुल इनकी सर, विशेषता ये है ना भाई, ये भी काफी शानदार है। बाकी सर इनका वेट क्या रहेगा? सर इनका ये भी मेरे पास दो तरह के हैं सर, एक 360 किलो में और एक 370 किलो में, अच्छा 1.5 इंची में। 360 का कौन सा है सर? ये दोनों 360 के हैं, 360 में ना, इसी में एक और मॉडल आता है थोड़ा सा टाइम्स का फर्क आएगा उसमें। अच्छा, जी इनके दाता के साइज का देखिए सर आपने। सर ये 1.5 इंची 36 mm। अच्छा 25 mm के, नहीं 36, 36 सॉरी 36 mm की है भाई, काफी शानदार है, यूनिक बना रखा है। तीन तीन पार्टी में ना सर ये? जी तीन बॉटम में, तीन तीन पोर्ट में आता है भाई ये। ये सर कितने टाइन का बताया आपने? सर 9 टाइन का है, 11 टाइन में अवेलेबल है, 7 टाइन में भी अवेलेबल है। अच्छा दोनों अवेलेबल? जी तीनों तीन मॉडल में अवेलेबल, तीनों मॉडल है। बाकी किसान भाई इसकी प्राइस भी बताऊंगा सर। आगे थोड़ी बात कर लेते सुपड़ी की। जी सर, ये बड़ी अलग लग रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ये फुल हेवी सुपड़ी है और रिवर्सिबल है। अच्छा आगे पीछे दोनों दोनों तरफ आने में सर। हाँ इसकी 6.5 फुट की चौड़ाई है इसकी। अच्छा, जी सर क्या रहेगी सर इसकी प्राइस? प्राइस होगी सर ये मात्र 16,000 रुपए की मात्र। और वेट कितना रहेगा सर इसके अंदर? सर इसका 140 kg वेट है, 140 किलो की सर, 140 kg जी, फुल हेवी है, फुल हेवी 40 किलो बहुत इस होता है। कीमत में ये भी आप ये इस कीमत में इस वेट में आपको कोई कहीं नहीं मिलेगी, और इतने हेवी कोई भी नहीं देगा। हम भी एग्रोटेक देगा, हम भी एग्रोटेक देगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। अच्छा इसकी गारंटी। बाकी सर प्राइस का देखो, इनकी अगर प्राइस की बात कर ले, सबसे पहले बात करते हैं भाई प्राइस कम ज्यादा होती रहती है? प्राइस का सर कोई फिक्स है, सीजनल है ना, प्राइस आज जो रेट है वो कल शायद ना मिले,
है ना, या जो आज है उससे कम कल मिल जाए, कम कल मिल जाए तो ये तो प्राइस भी... आज की जो कीमत है इसके अपन बात करते हैं तो ये दोनों कल्टीवेटर मात्र 38,000 रुपए के। अच्छा, और ये जो दो मॉडल है तूफान और इसको मकड़ी मॉडल है, हाँ। ये 41,000 रुपए के। 41,000 जी, जो इस टाइम जो ज्यादा हार्ड जमीन होगी उसके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई, ज्यादा हार्ड के लिए फिर ये उतना का उतनी मार नहीं पाएंगे। ये दोनों प्रोडक्ट है ये सभी जगह में, आप इसको हार्ड में चलाएं नरम में चलाएं, हाँ। ये गारंटेड 100% रिजल्ट मिलेगा इसका। अच्छा, इसका रिजल्ट जी बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो हर जगह चलने के लिए सक्षम नहीं है, चिकनी जमीन के लिए नहीं है वो गीली जमीन के लिए, बाकी जैसे कि ये गीली जमीन में आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बढ़िया है भाई, ये अलग अलग दोनों की जो है क्वालिटी वो अलग है, बाकी उसको आप मकड़ी तो तूफान वाटर गीली जमीन में प्रॉब्लम आती है चलाने में ना। नहीं, वो पतली, उनका काम करने का तरीका अलग है, पूरा पत्थर निकालेगा काम उनका, जमीन को मुलायम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बाकी इनके भी भाई ये भी लोकल बहुत चलते हैं, कम प्राइस में आपको मिलने वाले, काफी शानदार, फुल हेवी है, फुल हेवी इन्होंने जो है बना रखा है, 7, 9, 12 बाकी 7, 9, 11 सब अवेलेबल हो जाएगा ना, ये भी है भाई। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर किसान भाई स्क्रीन पर आएंगे, कोई प्रकार की जानकारी लेना चाहे तो ले सकता है, बाकी भैया से भी बात कर सकता है। तो ये था भाई वीडियो में, अगर जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।